गाइस देखिए, थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि इसमें आपको महत्तम और न्यूनतम मान निकालने हैं, ठीक है। इसके महत्तम और न्यूनतम मान निकालने हैं। तो देखिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, अभी आपको बताया नहीं इस टाइप का, ये एक दे दिया इसमें। चलिए इसको आपको समझ लेते हैं। इसमें आपको मानना होता है कि माना या ये जो अंक है ना 7, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में इसको साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस इसी सब में चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 जो है ना, इस 7 को मान लेंगे आर साइन एक्स, ठीक है। और ये 24 जो है इसको मान लेंगे आर कॉस एक्स, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। यह हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना होगा। तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर तो 576 होता है। यहाँ आर स्क्वायर कॉमन करिएगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा 625। यहाँ के रूट निकल जाएगा ना, तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, आर बराबर 25 आ जाएगा। अब देखिए आप इसके बाद क्या करना है। अब हम लोग जो ये माने हैं ना, ये 7 की जगह और इसकी जगह वहां रख देंगे, ठीक है। चलिए रख के देखते हैं। तो हमारे पास है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा बराबर क्या करना है, तो 7 की जगह रख देना आर साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस 24 की जगह आर कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, समझ गए। आर कॉमन होगा ना यहाँ, तो आर जब कॉमन करिएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया ना साइन ए प्लस बी का, तो आर यहाँ हो जाएगा साइन साइन एक्स प्लस थीटा, ठीक है। और आर का वैल्यू आपके पास तो 25 है ना, तो 25 साइन एक्स प्लस थीटा। और एक्स खुद से माने और एक्स का वैल्यू आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसमें अभी उतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है तो एक्चुअल में वहां से निकाला जा सकता है यहाँ एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये आर का मान रख देंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये 7/25 हो जाएगा और ये साइन साइन इनवर्स हो जाता है। तो ये सब अभी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक समझे ना, ये आ गया। अब चूंकि आपको पता है कि साइन में जो भी वैल्यू होते हैं वो -1 से 1 के बीच में होते हैं, चाहे वो थीटा प्लस एक्स लिखिए, चाहे एक्स प्लस थीटा, या सिर्फ थीटा लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो उसके लिए इसका वैल्यू जो होगा साइन में -1 से 1 के ना बीच में होता है इसका रेंज। तो जब इसमें 25 से गुना करेंगे, लिखेंगे 25 से, क्योंकि जरूरत है आपको गुना करने पर, तो जब 25 से गुना करिएगा तो यहाँ हो जाएगा -25, यहाँ हो जाएगा 25 sin x + θ और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 25। तो इसका न्यूनतम मान आ गया क्या, न्यूनतम मान जो हो गया वो -25 हो गया। और महत्तम बताना था तो महत्तम मान वो क्या हो गया, 25 हो गया, समझ गया ना। तो ये -25 न्यूनतम और महत्तम प्लस का 25, क्लियर हो गया, तो समझ गया यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया ना। चलिए आगे के फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग।